हमारे हाथ भी लगी है और वो है आज तक एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल, जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्ट पोल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिमाचल से शुरुआत कीजिए तो हमने रेंज दिया था कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में 30 से 40 सीटें और वो 36 बीच के एवरेज पर आ रही है। वहीं बीजेपी को हमने दिया था 24 से 34, वो एकदम बीचों बीच 29 पर पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी को हमने गुजरात में दिया था अपर एज 151 और वो 153 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को हमने 16 से 30 दिया था बीचों बीच भी। आम आदमी पार्टी 9 से 21 6 पर है। प्रदीप जी, आपकी म्यूजिकल एंट्री हो जाए भाई हुट के साथ, आपका एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है दोनों राज्यों में। आइए, बहुत स्वागत स्वागत है आपका गुप्ता जी। देखिए, अरे वाह, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा दर्शकों को वेव कर दीजिए आप। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं ऐसा क्या है कि आप इंडिया टुडे पे डांस करते हैं, आज तक पे डांस नहीं करते हैं? हमारे दर्शक भी बोलेंगे कि आप आज तक पे कभी डांस नहीं करते हैं, लेकिन गुप्ता जी आज डॉन बन गए। गुप्ता जी, बात नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट पोल करने से मुझे ज़्यादा डर लगता है। हर बार सेंचुरी स्कोर करो और कभी आप 80 पे आउट हो गए तो सबकी उम्मीद निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रदीप तुम्हारा पोल गलत हो गया, तुम फेल हो गए। आज खुश है ना, आज गदगद है ना, आज अच्छी नींद आएगी ना। नहीं, हमें पता चला अगर इसी डायलॉग में आपको बोलूं तो खुश तो आज आप बहुत हो। नहीं, खुश तो बहुत है और फुल क्रेडिट टू एक्सिस माई इंडिया टीम। 200 लोग से ज़्यादा जो तीनों राज्यों में मेहनत कर रहे थे और पूरे एक साल से मेहनत करते हैं, ये कोई एक दिन की या एक दिन के एग्जिट पोल की मेहनत नहीं होती है। और पीछे एनालिस्ट, खासकर मुकेश काबरा जी जो हमारे चीफ एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल, ये सारा का सारा उनकी मेहनत का कमाल है। मैं तो केवल आके नंबर पढ़ता हूँ यहाँ पर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक कभी भी इतने बड़े बड़े लाउड नंबर दिए हैं, लेकिन एक पल के लिए भी उन्होंने उसके अंदर असहमति कभी नहीं जताई। उन्होंने कहा आप यदि कन्विंस हो तो बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो करीब करीब हमने आज तक इस तीन को मिला के 60 इलेक्शंस कॉल किए, 60, जिसके अंदर 56 इलेक्शंस में बैंग ऑन रहे एग्जैक्ट पोल। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, फुल क्रेडिट टू एक्सिस माई इंडिया टीम, आज तक टीम, इंडिया टुडे ग्रुप, और इसी का नतीजा है जो हम हर बार करीब करीब एग्जैक्ट पोल देने में सफल हो पाते। एक सवाल मन में है कि ये राजनीति और चुनाव का जो विज्ञान है वो ऐसा है, बड़े बड़े नेताओं की समझ में नहीं आता, तो आप इसको कैसे क्रैक करते हैं? जो नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, आप उसको कैसे क्रैक करते हैं? नहीं, हम सिंपल, हमारा जो मेथोडोलॉजी है बड़ी सिंपल है कि हम लोगों तक पहुँचते हैं और हर कंसिस्टेंसी में पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप उनको यदि सीधा पूछ लें भाई किसको वोट कर रहे हो, तो उससे कोई बात बनेगी नहीं। सबसे पहले हम उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, इश्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कौन अच्छी स्थिति में है पॉलिटिकली। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि ये एग्जिट पोल में जो वोटर बाहर आ रहा है वो सच कह रहा है आपको? क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कई बार कि अरे वोटर तो बड़ा स्मार्ट है, वही वोटर जो है फलाने राज्य का वोटर बड़ा पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो बताएगा नहीं कभी अभी अपने मन की बात नहीं। इसीलिए तीन चीज़ें होती हैं। एक है सबसे पहले रीच, पहले तो आप पहुंचिए, सही जगह पे पहुंचिए। मेरा मतलब सही जगह से है कि आपको सही डेमोग्राफी और ज्योग्राफी के ऊपर पहुंचना है। तो फर्स्ट है रीच, दूसरा है कनेक्ट। जो मैंने कहा कनेक्ट, जब तक आप उसके साथ एक कंफर्ट लेवल स्थापित नहीं करेंगे और जब तक आप अनजान रहेंगे उसकी नज़रों में, तब तक वो आपको अपने मन की बातें कभी नहीं बताएगा। एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जो हमारे दर्शकों के मन में होगा। देखिए, ये वो वक्त है जब राजनीति में हम जबरदस्त दबाव तमाम हलकों से देखते हैं। आप पर कोई दबाव रहता है, कोई प्रेशर वेशर रहता है प्रदीप जी? हमने सुना है आप फोन ही ऑफ कर देते हैं जिस दिन रिजल्ट दिखाने वाले होते हैं। नहीं, बिल्कुल, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रेशर से बड़ी चीज़ें सबको जिज्ञासा रहती है कि क्या हो रहा है। वो चाहते हैं एग्जिट पोल के पहले ही हमको पता चल जाए। मैं उनको हाथ जोड़ कर हमेशा निवेदन करता हूँ, भाई इसमें आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ हमारा जो एसोसिएशन है वो और हम मिलकर पैसे खर्च कर रहे हैं,
तो कम से कम वहाँ पर तो आप नंबर देख लीजिए, उसके पहले मैं आपको बता दूंगा तो फिर उसका मतलब ही क्या होगा एग्जिट पोल करने का और आज तक के ऊपर दिखाने का तात्पर्य कहाँ रहा। तो जिज्ञासा होती है प्रेशर का, तो देखिए हम इसीलिए एग्जिट पोल करते हैं, ओपिनियन पोल करते नहीं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमको खुले दिल से अपनी बैटिंग अपना खेल खेलना है और किसी भी प्रकार का प्रेशर जो है एग्जिट पोल में होने का सवाल नहीं, क्योंकि वो तो वोट डन और डस्ट हो चुके हैं, मशीन में बंद हो चुके हैं, तो कोई उस तरह का प्रेशर तो नहीं है। लेकिन